अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शाहान अशरफ चैनल और आज हम आपको यामाज़ाकी AG002N का डेमो देने लगे हैं। इस मशीन के अंदर सारे फीचर्स मौजूद हैं जो घरेलू इस्तेमाल के होते हैं, तो फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो इस मशीन में देखें, सिलाई के ऑप्शन दिए हैं सारे, ये छोटी बड़ी उससे बड़ी सिलाई के ऑप्शन। फीचर्स यहाँ से मूव करिए आप, ये देखिए आपको सिलेक्टर स्विच है आपका, ये आपकी सिलाई का ऑप्शन आ गया। ये छोटी सिलाई हो रही है, इससे बड़ी, जैसे लाइनें लंबी हो रही हैं सिलाई बड़ी हो रही है, लाइनें छोटी हुई सिलाई छोटी हुई। ये आपका रिवर्स का ऑप्शन है, सिलाई को बैक करने के लिए है। इसके बाद आप आ जाए मजीद डिज़ाइन के ऊपर, जिगजैग के ऊपर, तो ये आपके तीन डिज़ाइन वाले ऑप्शन है। ये आपके आ गए जिगजैग पोर्शन पे, ये रफू है बारीक वाली, चौड़ी जिगजैग आ गई, चौड़ी जिगजैग पीको वाली आ गई, चौड़ी रफू आ गई और जापानी पीको भी यहीं पर हो जाएगी आपकी। बाकी सारे डिज़ाइन इसके काज है इसके अंदर, ये इसका बॉबिन वाइंडर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड सारी वीडियोस मिलती रहे हमारे चैनल से। सबसे बड़ी चीज़ इसमें मशीन में ये है खूबियों में कि इसमें शटल लगा हुआ मेटल एक, ये आपका आम मशीन की बॉबिन के आम मशीन शटल लगा हुआ है। अगर भी धागा वगैरह फंसा हो सफाई करना बहुत ईजी है, ये इसका टेंशन है धागा लूज स्टार्ट करने के लिए होता है। इसको नॉर्मली दो या तीन पर रखना जिगजैग के लिए, सिलाई करने के लिए तीन या चार पर रखना है नॉर्मल, ये धागा टेंशन टाइट लूज करने के लिए है। 220 पर डायरेक्ट चलेगी मशीन, ये मशीन तो अब आपको इसकी ऑपरेटिंग पूरी पूरी दिखाने लगे। अब यहाँ लगेगी मशीन पे धागा भरने के लिए, आपने धागे को पीछे बैक साइड से लिया यहाँ पर आपने, और ये यहाँ से लेकर आपने इस पुली से घुमाया, बॉबिन लगाई आप सिंपल सी, इसके अंदर आपने दो तीन नॉट दे देने ताकि धागा जैम होकर फंसे। इसको आपने अंदर दबा देना है, जब चलाएगी मशीन तो मशीन ऑटोमेटिकली धागा बना स्टार्ट कर देगी। ये देखा, अगर आप प्रोसेस सही इस्तेमाल करेंगे ना, ये जितनी भी ना वो प्रोसेस बताएंगे पीछे बैक से आकर, तो ये धागा बिल्कुल स्मूथ भरेगी मशीन, तो दो ऊपर नीचे फिलिंग करेगी ऑटोमेटिकली। धागा फिलअप करें आप, निकाल दें इसको बाहर। धागा डालने के लिए सिंपल सिस्टम है, आपने स्टिक एक यहाँ लगा दी, स्टिक का सुहा के लिए स्टिक लगा दिया आपने, रील यहाँ लगा दिया आपने, धागा स्कर्ट से लेना है आपने, स्ट्रेट प्लेटों में जाएगा, नीचे आपने ऊपर कर लेना है धागे को, पहिया घुमाएंगे कि कुंडली बाहर आएगी, यहाँ से धागे को आपने आर पार लेना, फिर नीचे लेके आ जाना आपने धागा, ये हुक में आ गया धागा आपका साइड पे हुक में आ गया, और सुई में धागा बिल्कुल फ्रंट से जाएगा सामने से, आपके बिल्कुल जगह बैठे बिल्कुल सामने से फ्रंट से धागा जाएगा मशीन। ये इसकी शटल लगेगी, बड़े सुराख वाली बॉबिन के इसमें यूज़ होती है, आम मशीन की ब्लैक मशीन की जो बॉबिन होती है इसके बारीक होल होता है, टॉल बड़ा होता है। आपने बॉबिन किस लगाई इसमें, इस धागे को आपने पतली के अंदर से लेना है स्मूथली, धागे को यहाँ छोड़कर और बिल्कुल सामने से कि आपने सिंपली लगा लेना है, पहिया घुमाएगी आप आम मशीन की तरह, जो व्हील घुमाते हैं हम इसका धागा उठा लेगी मशीन, दोनों धागे आपने खींच करके बैक साइड पर कर देना है, स्टॉप कर दिया। ये आपने ट्रे लगा दी थी ताकि कपड़े गैप आराम से संभाल सकें आपको, तो स्टेप लगा दिया, ये आपने कपड़ा लगाया, मैं आपको सिलाई दिखा रहा हूँ, उसमें सिलाई के लिए हमने रखा है इसको सेटिंग पे, ये अब रिवर्स होगा, ये आपकी सिलाई आ रही है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई है। अगर नीचे की सिलाई थोड़ी ख़राब आए जैसे हल्का दाना नीचे आ रहा है, ये इसके लिए आपने धागे को ऐसे टाइट करना है, धागा टाइट कर देंगे ऑटोमेटिकली दाना ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हो गई, ठीक है, सिलाई छोटी बड़ी यहीं से हो जाएगी आपकी, बड़ी सिलाई करनी बड़ी हो जाएगी, बारीक करनी बारीक हो जाएगी, बिल्कुल बारीक होगी सिलाई, बड़ी करनी बड़ी जाएगी। ये आपकी सिलाई के ऑप्शन आ गए, अगर आपको डिज़ाइन जिगजैग वगैरह करनी है तो कपड़े में कागज़ या बुकरम डालनी ज़रूरी होती है, मस्ट होती है वो, बुकरम सीजन चिपका लें, बुकरम लगा लें, पेपर बुकरम लगा लें, कागज़ लगा लें, ये आप डिज़ाइन पे लेके आ गए। अच्छा, डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो सुई आपने ऊपर रखनी लाजमी है ताकि सुई की नो ख़राब ना हो। ये बारीक रफू का डिज़ाइन आपका आ गया, सुई उठाई आपने, ये देखिए आप चौड़ी पीको का डिज़ाइन, ये स्वीट है आप चौड़ी रफू का डिज़ाइन, और पीको जापानी भी हो सकती है, इससे जापानी पीको के लिए हाथ की रवानी मस्त होती है,
अगर आपका हाथ अच्छा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, तो आप जापानी टी को इस पर कर सकते हैं। ये आपका आ गया ट्राइकोट, तीन डॉट वाली दिख जाएगा आ गया आपकी। डिजाइन परफेक्ट ही आ रहा है मशीन के। अच्छा, ये अगर आपको काज करनी है तो काज के लिए बड़ा सा सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर। थ्री फोर स्टेप काज होती है हर मशीन में होती है, 1 नंबर, 2, 4 नंबर और 3 नंबर। पहले आपने 2 और 4 के पोर्शन रख के 3 डांगे मार दें मशीन को, ताकि मशीन एक पॉइंटर बना लेगी। उसके बाद आपने लेके आना मशीन को नंबर 1 पे। अभी लंबा जितना काज बना उतनी चलेगी मशीन आपकी, जितना लंबा चलाएगी उतनी चलेगी। उसके बाद आपने दोबारा से लेके आना 2, 4 ऑप्शन पे, 3 टांगे मारा आपने, फिर आपको ले जाएंगे नंबर 3 पर। फिर मशीन बैक जाएगी खुद ऑटोमेटिकली, ये बन गया काज आपका। और ये हो जाएगा ऑप्शनर तो सुराग इसके अंदर, ठीक है। पीको करने के लिए लगेगा कैसे, ये समझ लें आप। पीछे पॉइंटर है ये, तो दबाएंगे आप तो बूट इसके बाहर आ जाएगा, फिर स्लीपर बाहर जाएगा। पीछे बटन दबाएंगे कि बूट बाहर आ जाएगा। ये बूट लगाने के लिए इस ब्रैकेट को नीचे करेंगे आप, इस ब्रैकेट को नीचे करेंगे, बूट चेक करेगा पिन को। ये पिन लगी हुई है और एक खांचा बना हुआ है बूट का, ये आपने साथ मिलाया इसको और ये लॉक हो गया। 2 कट से धागे बाहर आ जाएंगे आपके। पीको आपकी होगी डिज़ाइन नंबर, ये वाला डिज़ाइन आपका आ जाएगा, ये वाला डिज़ाइन आपका 4 डिज़ाइन है पीको का, ये वाला डिज़ाइन पीको का है और ये वाला डिज़ाइन पीको, 2 डिज़ाइन पीको के आपके। यहाँ कपड़ा लगा दिया पीको के लिए, कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है मशीन के अंदर, ये कपड़ा से फोल्ड होता रहेगा और ये कॉर्नर बनाती रहेगी मशीन। ये आपकी होगी पीको। अगर आपने जापानी पीको करनी है तो ये आप जापानी पीको के लिए यहाँ पे लेके आ जाए ऑप्शन पे। लेकिन इसके लिए आपके हाथ परफेक्ट चलना चाहिए, मशीन में कपड़ा फंसा देगी। ये देखें भरी भी को भी जापानी टाइप, कपड़े वाले फोल्ड करना लाजमी है। ये देखिए आप, तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मशीन में ऑयलिंग वगैरह का तरीका समझ लेना था। मेन सिस्टम आपको ये रहा, ये आपने शटर खोलना है, यहाँ पे ऑयलिंग करते रहनी है 15-20 दिन में एक दो बार। अगर कोई मसला हो जाए 20 दिन में एक दो, तो ये क्लिप खोल के आप साफ कर सकते हैं, शटर वगैरह की सफाई भी कर सकते हैं। ऑयलिंग करते रहें, धागा चलाने पहले पहिए को लाजमी घुमाएं। फीडबैक ये है इसका, अगर इसको आप सही तरह चलाएंगे तो इस मशीन की कोई कंप्लेन आपको नहीं है। तो मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह, आपको और लेटेस्ट वीडियो भी मिलती रहेगी। इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर।